ड्रामों ने दुनिया का मिजाज बदल दिया है यूँ तो तुर्क ड्रामों की लिस्ट बहुत तवील है लेकिन तारीखी नोत के ड्रामों ने बिलूम और इस्लामी असरायम किए हैं दरीलिश इर्तरुल या इर्तरो ड्रामा इन सब में सरे फहरिस्त रहा है इस ड्रामा को इसलिए भी ज्यादा शोहरत मिली क्योंकि अपनी नोयत का ये पहला ड्रामा था लेकिन एंगन आलतान दोजियतान के किरदार अरतरुल नेस में जान डाल दी दरीलेश एरतरुल या एरतरुल गाजी के बाद कई तारीखी ड्रामे तुर्क स्क्रीन पर सामने आए जिनमें सल्तनत उस्मानिया की बानी उस्मान गाजी पर बनाया गया ड्रामा कुरुलोश उस्मान और सलजुकी रियासत पर बनाई गई सीरीज ओयानिश ब्यूस सेल्चुकलू काबिल जिक्र हैं लेकिन इन दोनों ड्रामों को वो शोहरत और कामयाबी ना मिल सकी जो दरीलेश एरतरुल या एरतरुल गाजी को मिली इसकी दो वजूहत हैं एक तो हर ड्रामे में एक जैसी लड़ाइयां और एक जैसी साजिशें देख देख कर नाजरीन के सामने कुछ नया नहीं हो रहा था और दूसरा इंगन आलतान जैसी जानदार साजी करने में बाकी तुर्क अदाकार ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुए थे इस सूरत हाल में टी आर टी ने एक नया ड्रामा लॉन्च किया है जिसका नाम है बारबरूसलारिजी बारबरुस्लार बुहरे रूम की तलवार तारीखी ड्रामा सीरियल की फेरिस्त में बाकी ड्रामों से मुनफरद है एक तो इसमें दोबारा एंगन आलतान अपनी अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं जबकि दूसरी तरफ पहले जैसी लड़ाइयां भी नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रामा जमीनों की बजाय समंदरों के मार्को पर बनाया गया है बारबरूसलार क्यों ना इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं आपको बारबरूसलार का तारुफ करवाता चलू जी जनाब बारबरूसलार दरअसल इसहाइस ओरुच रईस खिजर रईस इलियास रईस चार भाइयों की कहानी है इब्तदाई सीजन में लगता है कि इसमें मरकजी रईस का रहेगा जिसको एंगन आलतान निभा रहे हैं इससे अगले सीजन खैरुद्दीन बारबरूसा की दास्तान दिखाएंगे खैरुद्दीन बारबरूसा को समंदरों का सुल्तान भी कहा जाता है उस्मानी तारीखदानों ने भी इनकी वफाती खबर ऐसे ही लिखी है कि देनी ओल दो समंदरों का बादशाह वफात पा गया वो एजियन खत्ते के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे लेकिन सिर्फ उस्मानियों की ही नहीं पूरी दुनिया की समंदरी तारीख के सबसे बड़े समंदरी हाकिम थे बार खैरुद्दीन पाशा उद्दीन फाते सुल्तान महमद की अनातोलिया में फतुहात में मिलने वाले लश्कर के सिपाही यकूब खान की चौथी औलाद थे इनकी माँ रूमी जजीरे की खातून नाम की कतरी ना थी उनका असल नाम खिजर रईस था लेकिन दीन की खिदमत करने की वजह से सुल्तान याऊस सलीम की तरफ से इन्हें खैरुद्दीन पाशा का लकब दिया गया खैरुद्दीन पाशा अपने भाइयों रईस और एलियास रईस की तरह एक कश्ती के साथ मैदली सैलानिक आरबूज जैसे कदीम यूनानी जजीरों के दरमियान तिजारत किया करते थे बहरे रूम में एक तजारती सफर के दौरान रोडोस जजीरे के कजाकों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें इनके एक भाई उरुच रईस अगवा कर लिए गए जबकि दूसरे भाई इलियास रईस शहीद हो गए ये वाक्य खिजर रईस को बार बरूस पाशा बनाने का रास्ता खोलता है तहम सुल्तान याउस अलीम के बेटे शहजादा कोरकुत ने फौरी तौर पर इन भाइयों की मदद की और अगवा शुदा भाई को बाहिफाजत रहाई दिलवाई और लूटे हुए माल समेत भारी गनीमत भी इन भाइयों को दे दी शहजादा कोरकुत के कत्ल के बाद खिजर और उरुच ने रूम एक अमन से नवाजा और वहा तजारत को फरोक दिया यूरोपियो ने इन दोनों भाइयों को बार बरूसा का नाम दिया कई जजीरो पर इनका हुक्म चलने लगा फिर इन दोनों भाइयों ने तुजार के दावत पर जजायर पर हमला किया और इसे इस बात इस लेकिन चंद सालों बाद स्पेनियो ने जजायर वापस लेने की कोशिश की जिसमे खैर उद्दीन बारबरूसा के बड़े भाई और जजायर के सुल्तान और शहीद हो गए और शहादत के बाद खिजर पाशा अलमारूफ बारबरूस खैरुद्दीन पाशा ने उस्मानियों के साथ रब्ता किया और जजायर को सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा हिस्सा बनाने की दरखास्त की सुल्तान यऊद सलीम ने इन्हें ये कहते हुए कि खिजर रईस नसरुद्दीन है खैर है इन्हें जजायर का हाकिम बना दिया इनकी तरफ दो हजार तजर्बाकार सिपाहियों का एक काफिला भी भेजा ताकि ज्यादा मजबूत हो सके इसके बाद तारीख इन्हें बार बरूस पाशा के नाम से जानती है सुल्तान यऊस सलीम की वफात के बाद नए सुल्तान कानूनी सुल्तान सुलेमान ने इन्हें इस्तांबुल बुला लिया और ज़मीनों पर फैली रियासत उस्मानिया के लिए समंदरों पर राज करने के लिए इन्हें बाकायदा अपना वजीर का दर्जा देते हुए कप्तान दरिया बना दिया अगले 12 सालों में बहर रूम के तमाम साहिली इलाके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना दिए गए इस दौरान कई बड़ी जंगें भी हुई जिन्हें खैरुद्दीन पाशा ने जीता इसके बाद बहर रूम को उस्मानियों की झील करार दिया जाने लगा उनकी वफात के बाद उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक समंदर के किनारे दफन किया गया लेकिन ये रवायत जो इनकी वफात के साथ ही शुरू हुई थी और आज तक जारी है वो ये है कि जब भी उनके मजार के सामने से बहरी फौज का बेड़ा गुजरता है तो इन्हें तोपों की सलामी देकर गुजरता है टी आर टी तारीख के इस ना भुलाए जा सकने वाले किरदारों को दुनिया भर के सामने दोबारा मुतारिफ करवा रहा है मैं आपको इस ड्रामा सीरियल के लम्हा लम्हा वाकयात में साथ लेकर चलूंगा अगर आपको इस सिलसिले की यह पहली वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले तो इसको शुरू करते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज